ये पाकिस्तान ने जो हमारा IC-814 हाईजैक कराया था, जो नेपाल से दिल्ली आ रहा था, काठमांडू से दिल्ली, उसको ले जाकर के पहले लाहौर ले गए, उसके बाद उसको ले गए कांधार अफगानिस्तान में, लेकर के वहां से अपने कंट्रोल में ले लिया और यहां से फोन कर दिया कि मुझको $200 मिलियन दे दो और हमारे 35 आतंकवादी तुम्हारी जेल में जहां जहां है सबको रिहा कर दो। और यहां अजीत डोवाल को बुला लिया गया, भाई अजीत डोवाल आओ संभालो यह मामला। अजीत डोवाल फटाक पहुंच गए वहां कांधार। वहां जाके अजीत डोवाल सोचे कि मैं नेगोशिएट करूं कैसे। अजीत डोवाल के पास सामने वाले की कोई वीकनेस थी नहीं। फिर इनको ने देखा कि इनको सपोर्ट करता कौन है, इनको सब देख कौन रहा है, इतनी ताकत कौन दे रहा है, तो समझ में आया ISI जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है वही सपोर्ट कर रही है, उनके सपोर्ट से कर रहे हैं। अब ISI उनको बोले जल्दी कर लो, जल्दी को लंबी तैयारी ना कर बैठे, जल्दी करो जल्दी लंबी तैयारी, तो वो घबरा गए। और यहां इन्होंने बोला अजीत डोवाल ने, एक आतंकवादी दे सकता हूं बताओ। तो उन्होंने कहा ठीक है पहले मौलाना मसूद अजहर दे दो, फिर हमारे को उन्होंने दो आतंकवादी और बता दिए ये दे दो। उन्होंने कहा ठीक है मैं तीन की ट्राई करता हूं लेकिन देना एक चाहता हूं। इन्होंने उनकी साइकोलॉजी से खेला, नेगोशिएट किया, हर एक सारे 170 के 170 लोगों को, खाली एक का देहांत हुआ था, बाकी सबको हवाई जहाज में लेकर चुपचाप वापस इंडिया आ गए। ये थे